Hi guys, welcome back to my NCA strategy series. So those of you who are here for the first time, please read about me in the description box. You'll get an idea of what I do. Today, you know, I'm going to discuss about professional responsibility, one of the prime subjects and one of the most important subjects for in order when you become a lawyer. एंड आपके लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती. अगर आप ऑन्टेरियो आ रहे हो, यहाँ के बार एग्जाम में 70-75% पेपर इज़ ऑन एथिक्स एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड इट इज़ यू नो सच एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटेड प्रोफेशन, स्पेशली हम लॉयर्स का. इतना ज़्यादा रेगुलेट करती है लॉ सोसाइटी दैट यू कॉन्ट इमेजिन. यू विल गेट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट लेटर व्हेन आई इन माई फ्यूचर व्लॉग्स. आई एम गोइंग टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंस. आई एम सो ओवरवेल्म्ड. मुझे बड़ी खुशी हो रही है दैट आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्पेशली पीपल हु आर सो क्यूरियस एंड यू नो हु वॉन्ट टू नो वॉट द लीगल फील्ड इज इन कैनेडा. यार एक बात है, आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस विद यू गाइज, दैट लॉयर्स एवरीवेयर यू नो इट्स नेवर बिन एन ईजी जर्नी. आई डोंट थिंक इंडिया में ऑल्सो इट्स सो ईजी. इट्स नॉट दैट ईजी अंटिल एंड अनलेस यू हैव सम फैमिली इन लॉ एंड मे बी इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू गेट इन टू दिस प्रोसेस. द स्ट्रगल इज द सेम फॉर लॉयर्स एवरीवेयर. इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी, बट स्टिल बिलीव यू मी, मैंने यहाँ पे कोई लॉयर नहीं सुना जो अनएम्प्लॉयड भी है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द लीगल मार्केट विद यू गाइज. मैं सब कुछ आपको बताऊंगी. वट एवर यू नो मिस्टेक्स आई डिड विच प्रॉब्ली आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू डू. आप लोग इन्जॉय करो, अभी मस्त करो, बिकॉज आई एम हेयर टू गाइड यू एज मच एज आई कैन. अब मेरे को जो कॉमेंट्स और जो क्वेरीज आ रही हैं उन सब पे मैं यू नो आई एम गोइंग टू असेंबल दैम एंड मेक वन ब्लॉग पर्टिकुलरली रिलेटेड टू यूर क्वेरीज. अभी आप वो करो जो आपके हाथ में, अभी आपके हाथ में पढ़ाई करना है और आपने पढ़ाई खूब करनी है, बिकॉज यू नो वॉट वट एवर यू हैव टूडे इट इज यू कैन ओनली डू दैट. डू नॉट वरी अबाउट, डू नॉट ओवर थिंक अबाउट द फ्यूचर. आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप करो. कनाडा में किसी को कोई जल्दी नहीं है, बिलीव नहीं. मैंने 5 पेपर इकट्ठे दिए थे, मेरे को था कि चलो जल्दी जल्दी सब कुछ होगा, सब कुछ होगा. नो इट्स नॉट लाइक दैट. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन पेस, एवरीथिंग विल गो बाय इट्स ओन टाइम. यू जस्ट डू वट यू हैव टू डू. वो घोड़ा बन जाओ जिसकी लगाम होती है, और अपना इन्जॉय करके पढ़ो, अपना हर स्टेप को इन्जॉय करो. सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, बिकॉज कल को आप किसी से यहाँ पे मिलते हो तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू हैव सम काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन. यू विल बी एबल टू शो दैट यस यू हैव एनसीए नॉलेज एंड यू हैव सम नॉलेज विच इज इफ नॉट इक्विवेलेंट टू अ JD गाय पर्सन हियर, बट इज स्टिल गुड. सो माई फोकस विल ऑलवेज बी दैट आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे इन लोगों का बहुत ध्यान होता है एंड दैट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन लॉ. So now enough of gyan, I am going to discuss professional responsibility today and let's go. And if you like my video, hit the like button, share and subscribe. Let's reach out to as many people as we can. Ask about PR, the syllabus, let's break it down, let's put it into key points as we always do with all the NCA subjects and the core 5 subjects, not all. मेरे को 5 आए थे तो मैं 5 के बारे में बता सकती हूँ और मैं वो ही बता रही हूँ. तो PR का सबसे मेन रूल है दैट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सब्जेक्ट विच इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविंसेस. It all the law societies have different rules and have different guidelines and have different process to for you to become a lawyer. Why? Because professional regulation is a subject of the province. Under constitution, it is under the section 92 of the Constitution Act. So now you can relate that professional regulations of lawyers is done by the provinces and that is why there are law societies. However, the FLSC is a federal exam, as you know. इसके बाद आप कोई भी province join कर सकते हो. तो प्रोफेशनल जो FLSC बॉडी है उसने अपनी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निकाला हुआ है. नाउ दिस कोड ऑफ कंडक्ट इज द बाइबल फॉर दिस एग्जाम. यू हैव टू रीड इट इवन बिफोर यू रीड द नोट्स और मे बी एज पैरेलल विद योर नोट्स, बिकॉज वंस यू रीड द टॉपिक इन द नोट्स टू रेफर टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. एंड रात को मे बी यू कैन यू नो रीड इट वाइल स्लीपिंग, वाइल लाइंग डाउन, वाइल जस्ट रिलैक्सिंग when everything is not that stress. And एक लाइट नोट पे आप उस बुक को, आप उस कोड ऑफ कंडक्ट को जरूर पढ़ो. नाउ व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जाम, सम पीपल बॉट LSUC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और मे बी सम अदर कोड ऑफ कंडक्ट. हैव टू गो एंड स्टडी FLSC कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट यू कैन गेट इट ऑन द नेट एंड
you have to read that. Read the rule, read the commentary, it has everything in it. The second key important point is that once you are reading the syllabus and you open the syllabus, you will see there are three concepts. So when you are reading the notes and when you are reading the model code of conduct, your whole idea should revolve around these three concepts. First is concept clarity. What is professionalism? What are lawyers? What are ethics? Ye sab theory based hai. So aapko most probably paper mein theory based questions bhi aa sakte hain. Ki कई फेमस जजेस के नाम के आर्टिकल्स हैं जो आपके कोर्स में हैं एंड मे बी यू कैन गेट एनालिसिस ऑन दैट और थ्रो लाइट ऑन दैट. मे बी यू गेट केस बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपने आईरैक्सी सॉल्व करना है. स्किल सेट में आपको एथिक्स पे ध्यान देना है. यू हैव टू फोकस ऑन एथिकल क्वेश्चंस कि अगर मैं इस जगह पे होता तो मेरे एज लॉयर एथिक्स क्या होते, अगर मैं उस जगह होता तो मेरे एज लॉयर एथिक्स क्या होते. व्हाट इज माय दिस थिंग रिलेटेड टू रेफरल फी, व्हाट डू आई रेफर अ केस, व्हाट हैपेंस व्हेन आई गेट अ केस एज रेफरल, हुम कैन आई रेफर टू. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड एंड यू हैव टू बिल्ड इन इन्फॉर्मेशन नॉलेज बेस बनाना है आपने. इस बात पे आपका नॉलेज बेस होगा तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे जो आपके सामने है, मे बी इवन विदाउट लुकिंग एट द बुक, बिकॉज योर स्किल इट्स देयर इन योर हेड एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज. देन क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज अ लॉयर इट्स एन इनबिल्ट क्वालिटी एंड यू जस्ट हैव टू इम्प्रोवाइज दिस इन दिस एग्जाम, बिकॉज यू हैव टू सी दैट ओके दे विल गिव यू अ सिचुएशन एंड यू विल हैव टू सी दैट वॉट इज द एरर दैट पर्टिकुलर लॉयर हैज डन इन द होल सिचुएशन. Maybe they give you a question with such facts कि आपको ये बताना है कि इस लॉयर ने क्या गलती कर दी इस पूरे प्रोसेस में, फर्स्ट गलती से लेके सारी गलतियों से लेके, और अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते. सो दीज थ्री कॉन्सेप्ट आर योर की एज इट्स ऑल्सो मैंशनड इन योर सिलेबस. द थर्ड पॉइंट इज दैट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ योर केस, वन इज द ग्रोई केस. ग्रोई वॉज अ वेरी फेमस लॉयर एंड ही फॉट एट वेरियस एपलेट लेवल्स एंड टिल द सुप्रीम कोर्ट टू गेट हिमसेल्फ फ्री. बट द होल अगर आप वो केस डिटेल में पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड वॉट इज द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ लॉयर, वॉट आर डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन अगेंस्ट द लॉयर, वॉट आर द एथिकल इशूज. मतलब आपको ए टू जेड इस केस से समझ आ सकता है कि एक लॉयर की क्या ऑब्लिगेशन होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या एथिक्स होते हैं, एवरीथिंग लॉयर इज सपोज टू फॉलो. सो एज अ लॉयर यू हैव टू बी मोर डिलिजेंट इन द सोसाइटी, यू हैव टू बी मोर केयरफुल विद व्हाट यू से एंड व्हाट यू टॉक टू पीपल, हाउ यू बिहेव इन पब्लिक, व्हाट इज एक्सेस टू जस्टिस, व्हेन डू यू हैव टू हेल्प पीपल, व्हेन डू यू डू नॉट हैव टू हेल्प पीपल, व्हेन डू यू हैव टू स्टॉप एंड व्हाट आर योर लिमिटेशंस. सो एवरीथिंग इज इन दैट पर्टिकुलर केस. दैट केस इज सो ब्यूटिफुली रिटन, वो इतनी प्यारी जजमेंट्स हैं उसके हर लेवल की, दैट आई एम श्योर दैट यू शुड गो थ्रू देम एंड दे हैव स्पेसिफिकली गिवन इट इन योर न्यू सिलेबस. सो ड्यूरिंग माई टाइम इट वॉज नॉट इन द सिलेबस, स्टिल आई रेड इट. सो आई ऑल्सो सजेस्ट दैट यू गाइज ऑल्सो शुड रीड इट एंड बाय इट. It's such a well-written and a well-explained judgment. The second is Trinity Western case. That is amazing judgment and you should refer to it for sure. So, ये दो जब आपकी यही आपका नॉलेज बेस बढ़ाएंगे, जब आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा तो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होगी. इतनी हेल्प होगी कि समटाइम्स यू नो यू कैन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट द पैरा फ्रॉम दैट जजमेंट एंड पुट इट इन योर आंसर. लाइक यू कैन मिंगल इट विद योर फैक्ट एंड यू कैन अप्लाई इट. So this whole synchronization and syncing of what the judges are saying in the case and your facts will give you such a beautiful answer. And this will form the analysis in your issue rule analysis conclusion method. So this can be your analysis. So it is very important that you read judgment. Judgments have a very important role and do not go for shortcuts, because if you have time, shortcuts, you know, they can bail you out today, but tomorrow when you need to talk to somebody or maybe you need to, you know, understand the concept, you have to give the bar exam, sit somewhere for the have a conversation, because networking is so important here that you should, you know, have some kind of knowledge base to talk to. आज जो मैं आपको बता पा रही हूँ, इट्स ओनली बिकॉज दैट आई रेड जजमेंट. सो जजमेंट रीडिंग इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड पॉइंट वुड बी दैट
definitely read the Moral Code of Conduct. Read it with in conclusion to your notes, but definitely refer to it. And there are small cases mentioned in the courses and in the notes which you should take care of, the points you should take care of, that is subject ko kisi light subject ke sath is ye light subject hai, is subject ko kisi heavy subject ke sath zarur dene ki koshish karo. But isko you can clear it in the first go, in the first time also. So once, if you supposedly given a criminal law paper, maybe you can give it in combination with PR, you can sit for both of them, because PR is a light subject, but the only thing is it needs concept clarities and it needs you to be very ethical. So be the ideal person you want to, you know, you want to see a lawyer as. So just be like that. Practice answer writing. Of course, there is no, मतलब इस चीज़ का तो इतना benefit है, answer writing का कोई substitute नहीं है, जैसे किसी और step का नहीं है. Answer writing पे बहुत focus करो. At least write 2-3 papers before your original exam, and you'll have some idea that how to write. I reckon is the way to write. Lastly, I think after these vlogs are over, now that these are over, my next vlog will be how to write an answer in the IRAC form. And if you want me to, you know, vlog about something specific, put in the comment section. I've got people who tell me to vlog about a judgment of admin law. And if you guys also want that, put in the comment section. I'll definitely give it a consideration. So, bye guys, study well, stay home and use this time as much as you can. And if anything, please get in touch with me on Instagram or LinkedIn. It's in the description box. Bye.